वी एक नॉन जीरो सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ एम सेवन सी। एम सेवन सी का मतलब 7x7 मैट्रिसेस का स्पेस है, उसका एक नॉन जीरो स्पेस गिवन है। सच दैट फॉर एवरी नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू वी, ए जो है इन्वर्टेबल है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉन जीरो है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस क्या होगा, और ये कंसेप्ट मैं क्लास में एग्जैक्टली डिटो कॉपी करवाते हैं हम। क्या है डायमेंशन, उस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके कोई भी दो वेक्टर पिक करता हूं, ए नॉन जीरो एंड बी भी नॉन जीरो वेक्टर पिक करता हूं, ए एंड बी बिलोंग्स टू वी, कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर पिक कर लिए ए एंड बी, ठीक है। अब ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑल्सो नॉन जीरो, तो मैं ए इनवर्स की बात कर सकता हूं, तो इंप्लाइज ए इनवर्स बी कोई एक 7x7 मैट्रिक्स होगी, और एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से आ रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से आ रही हैं, 7x7 मैट्रिक्स है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी वो सी पे स्प्लिट होगी, यानी कि सारे रूट सी में आएंगे, सारी आइगन वैल्यू सी में होंगी। तो देयर एग्जिस्ट यू इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए इनवर्स बी विद रिस्पेक्ट टू सम लैम्डा, किसी ना किसी लैम्डा के रिस्पेक्ट में एक आइगन वेक्टर जरूर मिलेगा, क्योंकि आइगन वैल्यू मिलेगी, 7x7 मैट्रिक्स है तो कोई ना कोई आइगन वेक्टर मिलेगा। अब डेफिनेशन लगा देता हूं मैं आइगन वेक्टर की, ए इनवर्स बी यू इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा यू, यही आइगन वेक्टर की डेफिनेशन है, और आइगन वेक्टर है तो यू नॉन जीरो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से क्या आ गया, बी यू माइनस ए से ऑपरेट कर दिया बोथ साइड, बी यू माइनस लैम्डा ए यू इक्वल टू जीरो, यानी कि बी माइनस लैम्डा ए ऑफ यू इक्वल टू जीरो, और U जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये जो मैट्रिक्स है एक नॉन जीरो वेक्टर को जीरो पे मैप कर रही है, इसका मतलब नलिटी ऑफ B माइनस लैम्डा U लैम्डा A क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो गया, और नलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो रैंक ऑफ B माइनस लैम्डा A लेस देन और इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि 7x7 मैट्रिसेस हैं, और रैंक लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा ए क्या होगा, जीरो। क्लियर। और यहां से अब इंपॉर्टेंट है, ए और बी वी के मेंबर है और वी सबस्पेस दिया हुआ है, तो इंप्लाइज ए माइनस सॉरी बी माइनस लैम्डा ए जो होगा वो वी का मेंबर होगा, लेकिन वी में हर नॉन जीरो वेक्टर जो है उसका डिटर्मिनेट नॉन जीरो है, लेकिन इसका यहां डिटर्मिनेट क्या रहा है, जीरो। तो इंप्लाइज बी माइनस लैम्डा ए क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। और अगर ये जीरो हो गया तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू ए, यानी कि बी जो है वो ए का कांस्टेंट मल्टीपल आ गया। तो किया मैंने क्या है, यहां कोई भी दो नॉन जीरो वैक्टर पिक करे उनको क्या शो कर दिया, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर पिक करे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, और डेफिनेटली इस स्पेस में आई बिलोंग करेगा या अल्फा आई बिलोंग करेगा इस स्पेस में, जीरो मैट्रिक्स भी बिलोंग करेगा, तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा ही आएगा, तो डायमेंशन एटलीस्ट वन होगी, और यहां कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर पिक कर रहा हूं वो आपस में एलडी है, तो डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस इज एग्जैक्टली वन डायमेंशन। तो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, किसी भी MNC में वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन, वो सारे नॉन जीरो वेक्टर अलोंग विद जीरो वेक्टर, जिसमें हर नॉन जीरो वेक्टर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, वो एक सबस्पेस है, और उस सबस्पेस की डायमेंशन क्या है, एग्जैक्टली वन डायमेंशन है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहां ऑप्शन दिए थे 1,
फर्स्ट ऑप्शन वो ट्रू हो जाएगा, सेकंड कह रहा है 2, थर्ड कह रहा है 7 एंड देन D 49, तो आंसर शुड बी वन डायमेंशन। क्लियर है ये?